टू टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, फुटो पर पेंडिकुलर में टू हटा दो बस। अच्छा अब एक क्वेश्चन उसको बना के देखते हैं कि फाइंड फुटो पर पेंडिकुलर, ठीक है ना, फ्रॉम 1.2 ऑन लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है, या ऐसा करते हैं प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड इमेज ऑल्सो। हाँ भाई हो जाएगा, चालू करें, पॉइंट दे रखा है, उम्मीद है हमने सब लोगों को ये चीज तो समझ में आई गई होगी कि ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है ये क्या है, x1 y1 है, एक चीज दे रखी है x1 y1 दे रखा है ना, उम्मीद है आपको ये तो पता चल ही होगा कि ये क्या है, ax प्लस by प्लस c है। अब करना क्या है, अपने को फुटो परपेंडिकुलर ले लेते हैं, पहले मान लें लेट फुटो परपेंडिकुलर hk, राइट भाई, अगर मैंने फुटो परपेंडिकुलर को hk मान लिया तो स्टार्ट करते हैं, याद है फॉर्मूला क्या था, h माइनस 1 अपॉन a बोले तो 3 रिजल्ट में कितना k माइनस कितना क्या 2 डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना 4 रिजल्ट में माइनस में 2 टाइम्स ना फुटो परपेंडिकुलर, तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसमें x और y हटा के एक और 2 रख देना है, तो 3 × 1 प्लस में कितना 4 × 2, ठीक है ना, प्लस 5 डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 25। आगे आप कर लो, एच निकाल दो, के निकाल दो, हाँ ऑब्वियस बात है, हमें कितने लोगों का आंसर आ गया, मिला ले, ये तो बन गया होगा कितना 8 और 3 11 11 और 5 कितना 16 डिवाइड बाई 25, तो एच माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना 16 डिवाइड बाई 25 है ना। अच्छा और जैसे इससे मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 1 माइनस 48 डिवाइड बाई 25, इसका मतलब माइनस का 23 डिवाइड बाई 25, ये तो एच आ गया, ठीक है ना, और के की वैल्यू निकली किसी ने माइनस 14/25, ये आ गया एच के, ये फुटो परपेंडिकुलर है ना। अच्छा फुटो परपेंडिकुलर तो ये निकला, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इमेज, याद है फिर से अपन वही करेंगे, आपको याद दिलाऊंगा फोटो, ये वाला पॉइंट है 1 2 राइट, इमेज यहां बन रही है, इसको नाम देते हैं अल्फा बीटा, ये क्या चीज है इमेज, ठीक है, ये क्या चीज है फोटो परपेंडिकुलर, याद है ना, कल अपन लोगों ने फोटो बनाई थी फोटो परपेंडिकुलर। अच्छा इसका नाम क्या क्या पढ़ा अभी, फोटो परपेंडिकुलर हम लोगों को क्या मिला है, माइनस का 23 डिवाइड बाई 25, और यहां से कितना मिल रहा है माइनस का 14/25, ये मिल रहा है ना। अच्छा हम लोगों को क्या चाहिए, अल्फा, अल्फा चाहिए ना हमारे को, तो अगर बात करते हैं अल्फा की तो हमारे को बताए अल्फा और 1 का मिड पॉइंट ये है ना भाई, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना माइनस का 23/25, ये तो यहां अल्फा मिल जाएगा, वैसे बीटा और 2 का मिड पॉइंट ये है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं बीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना माइनस का 14 डिवाइड बाई 25, यही तो होगा है ना, तो अगर आपको याद पड़ गया हो तो ये कितना हो गया माइनस का 46 बाई इतना, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस का 46 डिवाइड बाई 25, ओवरऑल कितना निकल गया माइनस 71 डिवाइड बाई 25, राइट है। अच्छा और बीटा की अगर वैल्यू निकालता तो बीटा की वैल्यू निकालने का माइनस का माइनस 2 माइनस का 28/25, राइट है भाई, माइनस का 78 डिवाइड बाई 25, तो कहना मतलब इमेज अगर किसी ने पूछी तो इमेज क्या निकलने वाली है, इमेज विल बी, ठीक है, इमेज अपने आप में निकलेगी कितनी, माइनस का 71 डिवाइड बाई 25 कॉमा माइनस का 78 डिवाइड बाई 25, राइट, ये इमेज निकली।
हमने बस इमेज भी आ चुकी है और फोटो पर पेंडिकुलर। मैं कुछ भी ऐसा चमत्कार नहीं कर रहा हूं, बस एक छोटी चीज को याद रख के चलता हूं, क्या कि फोटो पर पेंडिकुलर इज, फोटो पर पेंडिकुलर इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, इमेज एंड गिवन पॉइंट, है ना भाई, एंड गिवन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आता हूं। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं मैं, अगला टाइटल है, ठीक है, कंडीशन ऑफ, कॉन्करेंसी, है ना भाई, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। देखिए सबसे पहले बता देता हूं कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, क्या आपके दिमाग में क्या कॉन्करेंसी माने, कौन माने एक ही जगह का मतलब, कौन माने एक ही जगह आना, कॉन्करेंट होना माने एक ही जगह पे इकट्ठे होना, ठीक है, तो कॉन्करेंसी माने अगर तीन लाइनें जो हैं, तीन लाइनें या तीन से ज्यादा लाइनें, दो लाइनें तो कभी भी जब भी इंटरसेक्ट, दो लाइनें जब भी मिलती है इंटरसेक्ट कहलाती है, तीन लाइनें अगर एक ही जगह मिले तो कॉन्करेंट कहलाती है, चार मिल जाए तो भी कॉन्करेंट है। तो लिख लेते हैं, इफ थ्री और मोर लाइन्स आर पासिंग, लिख लीजिएगा, इफ थ्री और मोर लाइन्स, इफ थ्री और मोर लाइन्स आर पासिंग फ्रॉम, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, देन दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट। राइट है, देन दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट। ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा, और जब पास हो रही है वो लाइनें कॉन्करेंट कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा लिख लीजिएगा ये नाम, देखो जरा इसको कैसे निकाल सकते हैं ना, ऐसे बात समझे, अपने पास तीन लाइनें हैं, L1, L2, L3, तीन लाइनें हैं जैसे इस फोटो के अंदर, तो हम क्या करेंगे, L1, L2, L3 अगर तीनों के तीनों कॉन्करेंट है, इसका मतलब L1 और L2 का जो क्या कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसे तीसरी लाइन गुजर गई, उसे तीसरी लाइन गुजर रही है, यही तो हो रहा है ना भाई, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था तीसरी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, तीसरी भी वहीं से गुजर रही है, तो हम कहेंगे तीनों कॉन्करेंट है। नहीं है ऐसा उनमें, मैं क्या बोला, मैंने बोला इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे वो तीसरी वाली लाइन भी पास आउट हो रही है, इसका मतलब तीनों कॉन्करेंट है। नहीं है, या तीनों एक ही जगह से गुजर रही हैं, तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो कॉन्करेंट है ना। तो लिख लीजिएगा सबसे पहले पॉइंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट नंबर पर लिखिएगा, इफ, है ना, वो तो डेफिनेशन होगी, पहला पॉइंट लिखिएगा, If L3 is, if L3 is passing through, if L3 is passing through the intersection point of, passing through the intersection point of L1 and L2, passing through L1 and L2, then L1, L2, L3 are concurrent. Then L1, L3, L2, L3 are concurrent. Right? अच्छा लिखिएगा सेकेंड पॉइंट लिखना, ठीक है, L1 के लिए मैं ये नाम लिख रहा हूं, L1 अपने आप में पहली लाइन ले रहा हूं, A1X प्लस में कितना, B1Y प्लस में कितना, C1 इक्वल टू जीरो, उसी प्रकार से मैं L2 करके दूसरी लाइन ले रहा हूं, राइट है, कितना A2X प्लस में कितना B2Y, ठीक है ना, प्लस में कितना C2 इक्वल टू जीरो, उसी प्रकार से मैं तीसरी लाइन ले रहा हूं, कितना A3X प्लस में कितना B3Y प्लस C3 इक्वल टू जीरो। मैंने अपनी तरफ से तीन लाइनें ले ली हैं, अगर ये तीन लाइनें हैं तो ये तीनों अगर कॉन्करेंट होंगी तो कॉन्करेंट होने का निशानी क्या है, पहली निशानी तो मैंने बता दी कि L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरी गुजर गई, माने L1 L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना उसको तीसरी में रखा वो सेटिस्फाई होगी। नहीं है समझ में, बात पकड़ में आई। अब इसमें एक और तरीका भी है, जो इसका जो ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो बता रहा हूं, अगर तीन लाइनें ऐसे दे रखी है ना तो लोग क्या करते हैं, दे एल, तो लिखते हैं L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट, कहते हैं कि ये अगर बाईपे में कॉन्करेंट है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डब्बा इक्वल टू जीरो होगा, और डब्बे में क्या होगा, डब्बे में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा।
याद रखिएगा, अगर बाय द वे तीन लाइनें आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो उन सबका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, लिख लीजिए अगला पॉइंट। ओके, वेरी गुड। अगला पॉइंट लिखिएगा, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, देन L1, L2, L3 विल नॉट बी कॉन्करेंट। और ऑब्वियस ही बात है, बट ऑब्वियस बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर बाय द वे कोई भी आंखों का अंधे को भी बताओगे कि दो लाइनें तो भाई पैरेलल ही पड़ गई, अगर दो लाइनें पैरेलल पड़ गई तो दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं क्रिएट हुआ ना। हम तो क्या कह रहे हैं, हमारी तो सारी का नहीं, दो लाइनें जहां से गुजर रही है तीसरी भी वहीं से गुजर रही है इस पे। अब ये दो लाइनें तो अलग अलग पड़ गई तो कहेगी कॉन्करेंट होंगी, सही है ना, खेल बिगड़ गया, कदम आप रोक दो इस बात को। अब चौथे पॉइंट पे आ जाओ, चौथा पॉइंट क्या कहते हैं देख लिया, इफ L1 L2 आर पैरेलल टू ईच अदर देन भैया जयराम जी की टू द कॉन्करेंट है ना। अच्छा अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहते हैं, इफ लाइंस P इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू जीरो एंड R इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, गिव्स P प्लस Q प्लस R इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ P इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू जीरो एंड R इक्वल टू जीरो, गिव्स P प्लस Q प्लस R इक्वल टू जीरो, देन P प्लस देन P Q R, लिख लीजिएगा, देन P Q R आर कॉन्करेंट। बिल्कुल सीधी बात है, बहुत ध्यान से रखना है ये सारी बात को। क्या बोला मैंने, अगर कोई तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों के नाम, एक का नाम P इक्वल टू जीरो, एक का नाम Q इक्वल टू जीरो, एक का नाम R इक्वल टू जीरो, तीनों का सम करा आपने तो चल गया तीनों का सम इक्वल टू जीरो आ गया, राइट है, अगर तीनों का सम इक्वल टू जीरो आ गया तो 100% है तीनों के तीनों कॉन्करेंट हो गई, तीनों की तीनों कैसी होगी कॉन्करेंट है ना, बट अपोजिट इज नॉट ट्रू है ना। अगले पे जाओ, है ना, अब आप लोग इसमें से जो भी शंका या शुभ है, ठीक है, वो तो जब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएगी, है ना भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इसके कॉन्करेंसी के, आपकी शीट के अंदर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है इसके कॉन्करेंसी के नाम पे। हाँ क्या, अरे तू देखना जब तक एग्जांपल नहीं आएगा कैसे पता चलेगा बेटा तेरे, है ना, क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, इफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू वन और दूसरी तरफ से दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, एंड तीसरी तरफ से दे रखा है एक्स प्लस टू वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो आर कॉन्करेंट, ठीक है, फाइंड लैम्डा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। अच्छा वो P प्लस Q प्लस R वाला अगर इतना ही महत्वपूर्ण होता तो आदमी सबसे पहले वही बताता, वो किसी किसी केस में लागू होता है, अधिकतर केस के अंदर तो जो ये डब्बा इक्वल टू जीरो है ना वो काम कर जाता है, ठीक है, तो फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं अपन। देखिए सामने वाला चल करके बोल गया आपको क्या कि ये तीनों की तीनों लाइनें कैसी हैं, कॉन्करेंट है, अगर ये तीनों की तीनों लाइनें कॉन्करेंट है तो बट ऑब्वियस इनका डब्बा इक्वल टू जीरो होगा, इसका डब्बा इक्वल टू जीरो होगा तो इधर से क्या कॉपी करो बोलो, 1 1 -1, समझ में आ गया, -1, किसी को अचरज तो नहीं हुआ। अच्छा अगले वाले बोलो क्या लिखूं, 2 -1, अरे सी है ही नहीं तो क्या रखूंगा, नहीं है, अगले वाले बोलो जल्दी से, 1 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो, याद है आपको खोलते कैसे हैं, 1 ब्रैकेट के अंदर हम में से कोई जो भी सज्जन आदमी बोल देगा -λ -nothing, है ना भाई, बात ही बंद कर देते हैं। अच्छा दूसरी तरफ से देखा जाए तो 1 प्लस का 1 या माइनस का 1, श्योर है आप माइनस का 1। अच्छा आगे बोलो कितना लिखूं बोलो, 2λ, राइट है भाई। अच्छा अगला बोलो क्या लिखूं बोलो, -1 ब्रैकेट के अंदर कितना, 4+1, बहुत शानदार है ना भाई। अच्छा सभी को पता लग गया कितना हो गया, -2λ -λ बोले तो -3λ इज इक्वल टू कितना, 5, सही ना भाई, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/3 हो गया, तो लैम्डा इज गुड -5/3।
मुश्किल या आसान? हाँ हाँ, लेकिन क्यों ऐसा करेंगे ना? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई मेथड क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन आप सोचो दो इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तीसरे में रखेंगे, टाइम ज्यादा लगता है और डब्बा बहुत आसानी से काम करता है अपना, ठीक है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दो इक्वेशनों को सॉल्व करके भी हम लोग करेंगे भी, आने वाले टाइम में हम लोग सब लगा देंगे, जितने हथियार है सब लगाए करेंगे, क्वेश्चन आने दो, ठीक है? अगला है चेक लाइंस, ठीक है ना, 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है? अगला दे रखा है 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है? और दूसरी तरह से दे रखा है 5x प्लस में कितना 2y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, आर कॉन्करेंट और नॉट, कॉन्करेंट और नॉट, जल्दी से आप इस पर चर्चा कीजिए, कॉन्करेंट और नॉट। हाँ देखो ना, तो आप चेक करो डब्बा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इस बार डब्बा है ना जीरो करने से ज्यादा अच्छा होता है, अगर बाय द वे डब्बे को जीरो चेक करोगे उससे सौ गुना ज्यादा अच्छा होता है कि दो के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरे को सेटिस्फाई करवा के देख लो, जल्दी पहुंचते हैं इसमें, उल्टा है। अगर कोई अननोन वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग डब्बा से चेक करते हैं, लेकिन अगर अननोन वैल्यू नहीं निकालनी होती, चेकिंग करनी होती, तो दो के इंटरसेक्शन से खेल जाओ। बताता हूं, हाँ भाई हो गया क्या? श्योर? कितने लोगों ने मिला लिया? मिला लें, ठीक है, चेक कर लेते हैं मेथड टू से, सेकंड मेथड से, ठीक है? पहला काम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3x प्लस वाई बराबर दो, और दूसरी तरफ से दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई बराबर तीन, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए और मुझे बताइए कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है आपका, कितना निकाल लिया आपने? हाँ भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए करना क्या है, हटा दो इन दोनों को, यहां से कितना प्रकट हो जाएगा 5x, यहां से कितना प्रकट हो जाएगा 5x, बराबर कितना आ गया एक, x बराबर एक रखते ही y बराबर कितना हो गया माइनस, नहीं y बराबर एक माइनस वन, एक मिनट एक रखा तो दो, इधर की तरफ आ जाएगा कितना एक माइनस वन, बिल्कुल ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन, ठीक है ना, चेकिंग वन कॉमा माइनस वन, चेकिंग लिख लीजिएगा, चेकिंग वन कॉमा माइनस वन, लाइंग ऑन, लाइंग ऑन कौन सी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और नॉट, बस इतना सा जो चेक करना है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो दो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तीसरे को भी एक्सेप्टेड है कि नहीं है, अगर है तो कॉन्करेंट, नहीं तो मना कर दो, ठीक है? ये 1 कॉमा माइनस 1 उठा के इसमें पटका, इसमें पटकते कितना देगा 5 माइनस 2 क्या ख्याल है, बराबर 3, ये तो एक्सेप्ट कर गए भाई, क्या ख्याल है भाई हमारा, तो आज तक 3 बराबर 3 आता है बराबर, क्या लफड़ा है, तो कहने मतलब क्या बोलूंगा, इंप्लाइज ऑल थ्री लाइन्स, ऑल थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, ठीक है? तीनों की तीनों लाइनें कैसी कॉन्करेंट, अगले बाजो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, है ना? देखो हमने एक 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 चीज का लगभग यूज कर लिया है, अगली लाइन के ऊपर बात करते हैं, अगली लाइन क्या दे रखे, ठीक है आर, ठीक है ना, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरा दे रखा है x प्लस कितना 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, अगली लाइन दे रखी है कितनी माइनस 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है? कॉन्करेंट और नॉट, कॉन्करेंट और नॉट, सही भाई? हाँ भाई, वैसे तो अभी अभी एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कैसा किया है जिसमें हम लोगों ने वी हैव चेक्ड दिस कि वेदर दीज थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट और नॉट, बट वापिस से इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पज यही है कि शायद आप में से कई लोगों की बात अभी रुकी हुई है, आप में से किसी को जाना पहली लाइन p इक्वल टू 0, दूसरी लाइन q इक्वल टू 0 और तीसरी लाइन r इक्वल टू 0 का बेस्ट एग्जांपल उठा रहा हूं, आप में से जिनको जोड़ना आता है जोड़िए जरा, देखो आप क्या p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0 चेक, देखो ना आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2x प्लस x 3x 3x और 3x माइनस का 3x 0 हो गया, x वाली पार्टी साफ, माइनस वाई और प्लस का 2y, प्लस का y बचा, प्लस का y और माइनस का y जीरो हो गया, फिर से देखो माइनस तीन और एक माइनस दो और प्लस दो जीरो, क्या ख्याल है, p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, कहने का मतलब ऑल थ्री लाइन्स आर आ गया समझ में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये चीज पहले लिखवा दी थी मैंने, मिल जाए तो समझ लेना कॉन्करेंट है, ना मिले तो कॉन्करेंट हो भी सकता है, ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर देखो इधर इधर हो सकता है, देखो जरा इधर जब आप जोड़ोगे तो नहीं आ रहा,
हाँ यही कह रहा हूं, अगर पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो दे जाए तो 100% कॉन्करेंट है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम व्हेन एवर लाइन आर कॉन्करेंट पी प्लस क्यू प्लस आर विल बी जीरो. क्या बोला मैंने? हाँ, अगर पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो आ गया तो कॉन्करेंट डन है, डन. लेकिन अगर कॉन्करेंट है तो पी प्लस क्यू प्लस आर का जीरो आना तय नहीं है. हाँ, ये जरूर समझ लेना, ऑल थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट है ना. अच्छा, अगली बात नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं. ये तो वो कॉन्करेंसी को लेकर के जो हम लोग छोटे मोटे एग्जाम्पल सेट करते हैं वो सारी बातें, राइट है. अगले पॉइंट पे फिर बात करते हैं. अगला पॉइंट क्या कहता है देखें, राइट है. पहली लाइन दे रखी एल वन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो. एल टू करके दूसरी लाइन दे रखी है कितनी, थ्री एक्स माइनस का के वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, है ना. और एल थ्री करके एक तीसरी लाइन और लगा दी अगले ने, कहता है पांच एक्स प्लस में दे रखा कितना टू वाई माइनस माइनस के इक्वल टू जीरो. शायद माइनस का क्या है, ये माइनस का ट्वेल्व है, है ना, माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो. अच्छा, अब कहानी क्या है वो भी बता देता हूं. कहानी ये है, ठीक है, कहानी कुछ हद तक ऐसी है. पहली कहानी है L1, L2, L3 are concurrent, ठीक है ना, are concurrent if, ठीक है ना, if यहां पे दूसरी तरफ से दे रखा है k equal to minus 9. अगले वाले में दे रखा है L1, L2, L3 have any two parallel lines if k equal to minus 6 by 5, ठीक है ना. L1, L2, L3 will make triangle, ठीक है ना, if k is equal to 5 by 6, ठीक है ना. अगला है L1, L2, L3 will not make triangle, will not make triangle if, ठीक है ना, k is equal to 5, है ना. उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, ठीक है. मैच द कॉलम, ठीक है भाई. कहानी थोड़ी, हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे अपन अपने बात को थोड़ा स्टैंडर्ड पे लाते हैं भाई, है ना. हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर अगर इसकी बात करते हैं कि ये कहानी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जरा चर्चा हो जाए इस पे, ठीक है ना भाई. उम्मीद है क्वेश्चन ही इतना छोटा है, है ना. अब जरा मिला लेते हैं. पहली बात देख लेते हैं कि ये तीनों के तीनों, अभी देखो कॉन्करेंट चेक नहीं करना है, हम तो कह रहे हैं कॉन्करेंट कब होगा. कॉन्करेंट कब होगा, जब इनका डब्बा बराबर जीरो होगा या दो के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा गुजर जाएगा. पहली बात, दो जो पूरी पूरी लाइन है, एक तो ये वाली लाइन पूरी है और एक ये वाली लाइन पूरी है, ये वाली लाइन गायब है. क्यों? क्योंकि इसमें के टांग दिया. तो आपको जो भी बात करनी पड़ेगी, है ना, वो ये पहले L1 और L3 को लेनी पड़ेगी. तो पहला काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, है ना, L1 एंड L3 निकालते हैं. L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इतना सही तो करना है, x प्लस में कितना देगा 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5. और दूसरी तरफ से L3 के नाम पे कितना दे रखा है, 5x प्लस में कितना 2y इस इक्वल टू में कितना दे रखा है 12, ये दे रखा है. सॉल्व देम, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, राइट है, सॉल्व करते हैं. आ जाओ, अगर सॉल्व करना है तो इसको एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 से मल्टीप्लाई करते 5x प्लस में कितना 15y बराबर में कितना होगा 25. और ये इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. 5x प्लस में कितना 2y इस इक्वल टू कितना करते हैं 12, लेस करते हैं. अगर भाई दो मैंने इसको घटा दिया तो ये कट गया, है ना, मिला लेते हैं. अगर यहां से देखा तो कितना गया 13y इज इक्वल टू में 13, इसका मतलब y इक्वल टू 1. अच्छा, ये y इक्वल टू 1 जैसे ही मैं यहां पटकूंगा, है ना, y x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कितना प्रकट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे लिए प्रकट हो गया कितना 2.1, ठीक है. अब 2.1 अपने आप में, अगर भाई दो अगर तीसरी लाइन को वहां से गुजरना है
और ध्यान से सोचना, एक सेकंड ध्यान से देखना। पहले मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, दो तरह के डायग्राम संभव है। पहली बार जरा डायग्राम देख लो आप, ये दो लाइनें हैं, कौन कौन सी दो लाइनें, इसका नाम है L1। इतने भी कमजोर नहीं है कि फोटो देख तक करके भी अपन को होश नहीं है कि अच्छा क्या क्या रहा है ना, इतनी तो दीवानगी नहीं है ना अपनी, है ना। हाँ, कि फोटो देखने के बाद हवा नहीं लग रही, अच्छा क्या कह रहा था, है ऐसा, ये थोड़ी ना यार, ऐसी थोड़ी ना बुरी हालत होती है। फिर तो अभी से कॉमिक्स पढ़ाने गया था, डलवान देनी चाहिए बच्चे को कि भाई कॉमिक्स पढ़ पहले, तो तू किताबें तो बाद में देखना। L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसका नाम क्या है, 2.1। ये 2.1 है। अच्छा, अगर बाई द वे लाइनों को कॉन्करेंट होना है तो L2 यहां से गुजरे। अब मान लो कि ये यहां से गुजर रही है तो कॉन्करेंट होगी। अच्छा, अगर बाई द वे है ना, L1 ये रहा, L3 ये रहा, L1 ये रहा, L3 ये रहा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वही 1.2 है, और L2 जो है, L2 वो कहीं से भी गुजर गई तो ट्रायंगल बना देगी, सोचो। हाँ या ना, अगर वो तीसरी अगर इसी से गुजर गई तो कॉन्करेंट होगी, और यहां से नहीं गुजरी तो ट्रायंगल बनाएगी। ठीक है, अब तीसरा केस सोचो, तीसरा केस क्या क्या हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि L1 और L3 वो तो इसी पॉइंट से गुजरी 1.2 से, लेकिन लफड़ा क्या हो गया, लफड़ा ये हो गया कि वो यू चलेगी पैरेलल। L2 अगर पैरेलल चला गया, L2 अगर पैरेलल चला गया तो ना ट्रायंगल बनाएगा और ना ही कॉन्करेंट होगा। मैंने तीन तरह के केस दुनिया में संभव हो गए। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात पकड़ में आई। अगर बाय द वे वो इसी से गुजर गई, माने अगर 1.2 ने, है ना, पहला पॉइंट उठा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, इफ 2.1, ठीक है, अपने शब्द को उल्टा लिखा है ना, फिर तो ठीक है, 2.1 और यहां पर भी कितना 2.1, इफ 2.1 सेटिस्फाइज है ना, कौन सी लाइन, तीसरी लाइन, कौन सी, 3x माइनस का के वाई है ना प्लस 1=0, देन लाइंस आर कॉन्करेंट। अब मेरे को बताओ आप साहब, k की क्या वैल्यू होगी, k की वैल्यू 7 रख दूं जरा, मैं भी एक बार के लिए जरा, है ना, उतने अच्छे से, ये हो गया 6 माइनस कितना k प्लस 1=0 भावार k=7, राइट है, k=7 है क्या कहीं ऑप्शन में, तो ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। हाँ, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 की जगह 7 कर देंगे। अच्छा, ये कर दें अपन अपने हाथों से, चमत्कार मचा दें, है ना, एक सेकंड। तो क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो फिर वहीं चेंज कर देना बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि जो आईटी का क्वेश्चन है सबने पता है ना, ये तो सबको ही पता है। अपनी साइड से, हाँ भाई, तो k=7 अपन ने मान ले लिया। अच्छा, ये तो हुआ तब। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, है ना, अगर इफ 2.1 ना इफ L1 L2 L3 मेक्स ट्राइंगल, हाँ भाई बताओ, अगर ट्राइंगल बना रही है तो कहां पे, क्वेश्चन में L2 में, यहां पे ये -1 है, श्योर है। अच्छा, अगर बाय द वे यहां पे -1 हो गया तो 5 मिल गया अपना, है ना। हाँ चलो, अच्छा है, सबके पास में जिनके पास शीट है उन्होंने ठीक करा दिए। क्वेश्चन के अंदर फालतू में मैं भी चाहता नहीं था कि कोई मिजाज खराब हो, ठीक है, लो साहब। हाँ भाई, तो k=5। अच्छा, एक से पहले कि अपन भूल जाए, लाइनें कॉन्करेंट होगी अगर k=5 हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, ये तीनों के तीनों लाइनें जो है वो ट्रायंगल कब बनेंगी, ये तीनों के तीनों लाइनें ट्रायंगल कब बनेंगी, ट्रायंगल कब बनाती है, जब वो कॉन्करेंट ना हो, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्करेंट ना हो का मतलब समझा, इसका मतलब क्या, ये इस जगह पे बनाएगी कि नहीं बनाएगी ट्रायंगल, सोचो, ट्रायंगल बनाएगी। एक मिनट, इससे पहले कि मैं हां भरूं कि मैंने 5 को छोड़ के बाकी सभी जगह ट्रायंगल बनाएगी, इससे पहले एक और केस जान लें, क्या कि पैरेलल में क्या लफड़ा है कि नहीं, तो इसीलिए केस नंबर 2 को हैंग छोड़ना पड़ गया। केस नंबर 2 के पहले किसको उठा रहा हूं, केस नंबर 3 को, ठीक है ना। अपन क्या सोच रहे हैं, दो केस सोच रहा हूं, कौन कौन सा, क्यों, क्योंकि तीसरी लाइन ना कौन सी, 3x माइनस के वाई माइनस 1=0 कैन बी पैरेलल, ठीक है ना, कैन बी पैरेलल टू टू लाइंस, कौन कौन सी दो लाइन से, या तो पहली लाइन से पैरेलल होगी, तो कोई बताएगा पहली लाइन से पैरेलल होगी तो क्या होगा, 1/3 सोच के बोलना है, इक्वल टू, अरे पहली, अगर पहली दूसरी लाइन में अगर पैरेलल है तो 1/3 बराबर कितना, 3/-k लिख दो, 3/
माइनस के, भावार्थ के इज इक्वल टू माइनस नाइन। अरे 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 पैरेलल हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि इसकी लाइनें पहले मिल गई, ये पैरेलल होंगी, पैरेलल 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 पैरेलल, तो के इज इक्वल टू कितना लगा दू माइनस नाइन। अच्छा, और अगर बाय द वे सुना, कौन कौन सी, ये तो कौन कौन सी लाइनें पैरेलल होगी, ये कौन सी, एल वन एल टू, अब मैं बात करता हूं एल वन एल थ्री, ना ना एल टू एल थ्री, अगर ये पैरेलल हो जाए, सोचो दूसरी तीसरी लाइन अगर पैरेलल होगी तो कौन बताएगा, क्या लिखो, बोला थ्री अपॉन फाइव बेहतरीन, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई टू। अच्छा, तो इसका मतलब के इज इक्वल टू हो गया माइनस का सिक्स बाई फाइव, क्या ख्याल है। और दूसरा केस भी मतलब ये कि इसने कितने कितने पे निशाने साधे, दो पे, इस पे भी जाके गिरेगा ये, सही है। माने ट्राइंगल किस किस केस में नहीं बनेगा, इन दोनों केसेस में नहीं बनेगा, और किस केस में नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्करेंट है इसलिए ट्राइंगल नहीं बनेगा, और यहां दो में पैरेलल पड़ गया इसलिए ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो ट्राइंगल कब बनेगा। सो ट्राइंगल वे बी पैरेलल इन ओनली वन केस, व्हेन के इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स, लिख दो, तो लिख देते एल वन एल टू एल थ्री विल मेक ट्राइंगल ओनली व्हेन, व्हेन व्हाट, व्हेन के इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स, क्या ख्याल है। तीनों का नहीं समझ में आ गया आपको, है ना। अब मेरे को देखो, ये चीज उठाने का सबसे सही टाइम यही था, अगर मैं पैरेलल में इक्वेशन उठाता तो कॉन्करेंट लटका देता, ठीक है। अब सारी चीजें तो पीछे आकर के एडअप हो गई, पुरानी पुरानी जितनी भी है ना, अब आकर के सामने उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब तो आप आराम से पैरेलल पैरेलल खेल लेते हो, गुड है। लिख जरूर लेना प्लीज, क्यों, क्योंकि जैसे ही है ना आज की शाम खत्म होगी आप भूल जाओगे कि अच्छा पैर, अच्छा अच्छा। अब एक और रह गया ना बेचारा, एक जना रोता रह गया शायद इस पूरी कहानी में, क्या, L1, L2, L3 will not make triangle, L1, L2, L3 triangle नहीं बनाएगी, कब कब, तीन केस में, कौन कौन से तीन केस में, इसका बूमरैंग किस पे इसमें गिरेगा, के बराबर किस पे, एक तो माइनस नाइन पे और दूसरा किस पे, किस पे और कितने माइनस, एक तो फाइव पे और एक माइनस सिक्स बाई फाइव पे, इन तीन केस पे, है ना भाई। और ये तो बिल्कुल सीधा ही जाके इसमें लगा है, टू है, के बराबर फाइव बाई सिक्स, है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, फोर लाइंस, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, अगले लाइन दे रखी है कितनी, थ्री एक्स, प्लस में दे रखा है फोर वाई माइनस का सेवन इक्वल टू जीरो, अगला दे रखा है कितना, टू एक्स, प्लस में थ्री वाई माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, अगला दे रखा है फोर एक्स, प्लस में कितना, फाइव वाई माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल आर कॉन्करेंट, ठीक है ना, बी ऑप्शन है थ्री आर कॉन्करेंट, ठीक है भाई, और सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है साइड्स ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, और डी ऑप्शन है, ठीक है, नन ऑफ दीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आ जाइए क्वेश्चन के अंदर एंटर कर जाते हैं अपन, क्या कहानी है क्या नहीं है, है ना, आओ इस पे भी खेलते हैं, क्योंकि लफड़ा क्या है, तीन होती ना तो आपको पता है डब्बा चेक कर लो, अब बच्चों चक्कर में जाते, चार चार लाइन का तो बताया ही नहीं, चार का तो उन्होंने बताया ही नहीं था, नहीं तीन में तो डब्बा चेक, लेकिन चार में क्या करूं, है ना। हाँ बच्चा सदमे में, क्या अरे चार का तो बताते ही नहीं है लोग, है ना, अरे चार का नहीं बताते, सही में नहीं बताते, लेकिन आप थोड़ी सी अकल लगाएंगे तो क्वेश्चन खत्म है, कैसे, आप L1 L2 का कॉन्करेंट वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो ना, L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट अगर बाय द वे सबको सेटिस्फाई कर गया तो चारों पॉइंट, एक को कर गया तो तीनों कॉन्करेंट, और अगर किसी को नहीं करा तो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ठीक है ना, बाकी चेक कर लेते हैं। तो पहला काम क्या करें, पहला काम करते हैं, इसमें डब्बा काम नहीं करता, लिख लेते हैं, ठीक है, डब्बा इक्वल टू जीरो विल नॉट वर्क, मतलब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें डब्बा ही काम नहीं करेगा, लोग चिल्ला चिल्ला के गा लेंगे आपके आगे कि लो डब्बे से कर लेना ये लो कर लो डब्बे से, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है इसमें, ठीक है ना, फाइंड
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं ना, जानबूझ करके L1 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, L1 को मैं लिख रहा हूं कितना 3x प्लस में कितना 6y इज इक्वल टू 9 है ना, और L2 को मैं कितना लिख देता हूं 3x प्लस का कितना 4y इज इक्वल टू कितना 7 राइट है भाई, ये पता चल गया आपको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कॉपी किया है, कोई ऐसा तो नहीं कि पांचवी लाइन लिया है मैं, याद है ना। हाँ अब क्या किया, माइनस कर लेते हैं, घटा दिया, इन दोनों को घटा दिया, कितना बच गया 2y is equal to कितना 2y is equal to कितना आ गया 1। अब y is equal to 1 उठा के इसमें रख दो, y is equal to 1 रखते हैं आपको पता चलेगा x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1 है ना, इसलिए 1.1 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अच्छा 1.1 अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो 1.1 देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1.1 उठा के इसमें रखू नहीं, हाँ सेकंड को तो करेगा ही करेगा क्योंकि आए वहीं से, थर्ड में रखू है ना, इन L3 में रखते ही, L3 में रखता हूं तो देखो जरा कितना हो गया 2 + 2 + 3 - 4 = 0 होता नहीं है, ठीक है। L4 में रखू, L4 में रखता हूं तो L4 में रखने पे कितना होता है देखो जरा 4 + 5 - 6 = 0 ठीक है। अच्छा अपन एक काम करते हैं ना, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसको 5 कर ले तो अब हाँ भाई इससे क्या हो जाएगा, चलो बताओ इससे क्या हो जाएगा, नहीं कौन सा ऑप्शन खुल जाएगा बताओ, अगर बाय द वे नहीं है 5 कर दिया तो कौन सा ऑप्शन खुल जाएगा, बी तीनों कॉन्ग्रुएंट। अच्छा मान लो अगर वही रहता क्वेश्चन, अगर वही रहता तो उसने किसी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब मेरे को क्या पता चला। अच्छा अब एक और चीज सोचते हैं यहां पे ना, बहुत ये थोड़ा क्रूशियल सिचुएशन है ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। अब आपके तो मैंने जितना दिखाया उतने पे आप राजी हो गए, जरा आगे की बात सुनो, नहीं आगे की बातें सुनो, आगे की बातें पैरेलल तो देखते पता चला कि इनमें से कोई पैरेलल नहीं है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा मैं काम की बात क्या कह रहा था, काम की बात ये कह रहा था कि सपोज मैं आपको बताऊं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से ही गुजर गया तो हाँ नहीं, ये बात आपके दिमाग में आई, मैंने क्या बोला, कल को किसी और के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई और लाइन गुजर गई तो हाँ, तो आपके पास 4 लफड़े हो गए, नहीं आया समझ में। हाँ ये तो 4-4 का गेम है, हालांकि थॉट वही है, समझ रहे हैं बात को, थॉट बिल्कुल वही है जो अब तक अपन कर रहे थे, लेकिन बस पंगा गया है, पंगा ये है कि अभी तक अपन ने सिर्फ एक को चेक किया है, ये तो कहीं से कहीं भी चेक होगा, बात पकड़ मारी है, ये कहीं से कहीं भी चेक होगा, इसीलिए ना मैंने सिर्फ एक में चेक कराया है, अभी तो आपका बाकी है, करो आप। हाँ अब देखो ये एक ने और चेक किया है ना भाई, अब इंटरसेक्शन हाँ ये लफड़ा हो सकता है कहीं पे भी, आप में से सभी लोग उतना ही देख रहे हो जितना अभी तक मैंने दिखाया था, उतनी आगे खोली, अब मैंने आपके आगे और आगे विजन बढ़ाया कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L3 राइट है, L1 L3 का देखते हैं। अब देखो L1 और L3 का मतलब इन दोनों का है ना भाई, ये वाला क्या 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 ऊपर के दो का इंटरसेक्शन पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हमने ऊपर के दो का ही तो निकाला है, काम भी बुट गया ये वाला, नहीं 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 मैं तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही बात रखने के लिए 5 चेंज किया है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 5, मैं तो सिर्फ एक बात रख रहा हूं अपनी, ठीक है, मैंने तो सिर्फ अपना चांस लिया, मैंने कहा आपको समझाऊं कि एक कहानी क्या है। अच्छा अभी एक मिनट, L1 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, L1 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकलेगा लिख दो, 2x प्लस के अंदर कितना 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 6 है ना भाई, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा 2x प्लस में कितना 3y इज इक्वल टू कितना 4 राइट है, माइनस करता हूं हटा दूं, माइनस करते ही y और माइनस करते ही कितना आ गया 2, और y इक्वल टू 2 उठा करके किसमें रखेंगे, y इक्वल टू 2 उठा करके इसमें रख दूं, y की जगह 2 रखते ही x इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अच्छा x इज इक्वल टू -1 आते ही -1.2। अब सेटिस्फेक्शन देखते हैं, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या पहले इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कर रहा होता तो फिर इन दोनों का इसको कर जाता, लेकिन हम तो कर रहे हैं इनका इसको तो नहीं कर रहा कहीं। अब देखो तुम -1 रखते कितना हो रहा है, -1 रखते कितना -4 और ये कितना हो गया 10, क्या कर गया कि नहीं कर गया,
बिल्कुल, इसका मतलब ये तीन कॉन्करेंट थी। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ, थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो कहने मतलब वो वापस वही है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज नॉट चेंज, बस वो ना आपको फील दिया था, ठीक है ना भाई। तो अपन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस वन कॉमा टू सेटिस्फाइज ठीक है ना एल फोर, ठीक है, इंप्लाइज क्या लिखूंगा मेरे तरफ से आंसर, थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, है ना, जबरदस्त चीज। सोचो पहले दो ने, पहले दो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जो है वो पहले दो का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे को और चौथे को सेटिस्फाई नहीं करा था, ठीक है, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये यहां पे वायरिंग में लफड़ा है, ठीक है, हाँ यहां से हटते ही ठीक हो जाता है, इसकी अकल काम करने लगती है ना भाई। हाँ, अगर भाई तुम्हें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर दो ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वो सेटिस्फाई कर रहा है इनको, ध्यान रखना एक खतरनाक खेल है चार वाला, चलो आगे चलता हूं, है ना, क्यों जब समझ में नहीं आ रहा तो जीरो से नहीं आ रहा तो फिर बाकी क्यों समझाए, है ना, और आ गया है तो फिर बाकी क्यों समझाए बार बार। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं, हाँ भाई, अब थोड़ा सा अलग तरह का टाइटल है, ठीक है, इफ लाइंस, लाइंस में दे रखा है कितना, लैम्डा एक्स प्लस में साइन अल्फा डॉट वाई प्लस में दे रखा है कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, और यहां दे रखा है एक्स प्लस में कॉस अल्फा डॉट लैम्डा प्लस वाई वाई, ठीक है, वाई प्लस में साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, और यहां दे रखा है कितना माइनस एक्स प्लस में दे रखा है कितना साइन अल्फा इंटू वाई प्लस माइनस का कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, आर कॉन्करेंट, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड इफ लैम्डा इक्वल टू वन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में है कि अब लाइन थोड़ी सी ज्यादा गंदी वाली हो गई, है ना, हाँ नहीं ये, अरे ये तो आता है एग्जाम में, आपको पता है हम तो इन पे प्रैक्टिस करा के आपको रवाना कर देते, तिलक लगा कर पता चला मार्केट के एग्जाम में ऐसा आ गया है कि नहीं, हाँ अल्ले ये फिर बदल बदलता है, अरे ये सब तो सोचा ही नहीं था, अल्फा ये साइन में खेल रहे हम तो, ठीक है ना, अच्छा तुरंत बात करते हैं इस पे, करे मत, हाँ सब बताइए मेरे को क्या करूं, अगर ये तीनों के तीनों कॉन्करेंट, अपना काम तो सीधा सीधा है, डब्बा डालो सही है ना भाई, लैम्डा साइन अल्फा और कितना कॉस अल्फा, नीचे की तरफ आ जाओ, वन कॉस अल्फा, पहले आप भर लो डब्बे में, तो आप ही भरो यार, डब्बा भी मैं ही भरू फिर सॉल्व भी मैं ही करूं, क्या मतलब इसका, क्योंकि बीपीएल होता है, बीबीपीएल हमारे यहां नहीं मानते भाई, सुप्रीम सन्नाटा, ऊपर का पूरा माला रेंट पे दे दिया था हवा को, हाँ भाई भले खुलता नहीं हो ये अलग स्टोरी है, लेकिन फिटिंग तो हो सकती है ना कम से कम, हाँ भाई कर लिया क्या, ये अभी तक जानबूझ करके राइटिंग पीछे वाले क्वेश्चन से सुधार रहे थे, है ना, साइन अल्फा माइनस वन साइन अल्फा ब्रैकेट में कितना माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू में कितना जीरो, अब आपको सबको पता है करना क्या है, लैम्डा कॉमन है ना, अंदर ही अंदर आपको सबको पता लगेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे बात उलझ गई, ठीक है अगले पे चलते हैं, माइनस का कितना साइन अल्फा ब्रैकेट के अंदर दौड़ जाऊं कितना माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, है ना भाई, अच्छा और प्लस के अंदर अगर देखा तो क्या चीज है हमारे पास में कॉस अल्फा ब्रैकेट के अंदर दौड़ जाते हैं, कॉस अल्फा में कितना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, राइट भाई, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड दैट इज इक्वलेंट टू जीरो एज दे हैव सेड ऑलरेडी दे आर ऑल कॉन्करेंट, है ना भाई, अच्छा ये तो सबको पता चल गया, ये अपने हमें उड़ी के बेचारा, ये तो माइनस लैम्डा छोड़ गया, ठीक है ना, यहां पे कितना हो गया प्लस का कितना साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस में कितना साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों की गुणा क्या बन रही है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और पीछे की तरफ गुणा क्या बन रही है कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना भाई, कोई वापस इस बात को समझ पा रहा है, ये अपने आप में अगर आपको दिख रहा हूं माइनस लैम्डा ने कहा भाई मैं तो उधर जा रहा हूं छोड़ दिया मैंने सबको संन्यास, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया कॉस टू अल्फा,
ठीक है ना भाई। अच्छा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलकर के बन गया कितना, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। और आप में से हर एक जना ये अब जान जाए, अब तो कम से कम जान ही जाओ कि ये साइन टू अल्फा होता है, ठीक है ना, इतना तो खुद ही बनाने लग जाए ग्रो, ये साइन टू अल्फा होता है। अच्छा अब ये लैम्डा अगर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, कॉन्करेंट है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यही होगी राइट है। अच्छा अब काम की बात सुनना, काम की बात, अगर किसी ने पूछ लिया कि लैम्डा बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, लैम्डा बिलोंग्स टू पूछा होता तो बिल्कुल, अगर बिलोंग्स टू पूछ लिया, इक्वल टू पूछ लिया तो चलेगा कि ये आंसर है, लेकिन अगर बिलोंग्स टू पूछ लिया तब आपके दिमाग में चमकना चाहिए, अरे ये तो कहां से कहां तक में बिलोंग करता है, याद है माइनस रूट टू से रूट टू, तो कहना मतलब ये कि लैम्डा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस रूट टू से रूट टू, ये पता चल गया, अरे कोई एक्सक्लेमेटरी साइन तो नहीं है ना, है ना, कि ये कैसे हो गया। अच्छा अगले पे चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि अगर अगर कि सेकंड इसका बी पॉइंट कहता है, बी क्वेश्चन कहता है कि अगर लैम्डा जो है वन हो जाए, इफ लैम्डा इज इक्वल टू वन देन क्या पूछता है, जनरल वैल्यू पूछ रहा था भाई, जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब, लैम्डा इक्वल टू वन का मतलब कितना हो गया, साइन टू अल्फा प्लस में कितना कॉस टू अल्फा, ठीक है ना, इक्वल टू वन। अच्छा किसी को अगर एकदम याद आ जाए तो मैं डायरेक्ट खेल सकता हूं ये गेम, अगर आपको याद आ जाए टू अल्फा इज इक्वल टू, में सोच के देखना, टू एन पाई प्लस माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट टू, सोचो, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स वन बाई वन, कौन सा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू, हाँ दो फॉर्मूले लिखे थे याद है, सीधा कह लिया मैं तो जनरल सॉल्यूशन, वो भी कॉस वाली साइड का है ना, ये तो आपकी याददाश्त तो यही जबरदस्त, मैं जानता हूं एकदम नाग जैसी, ठीक है, ये कितना हो गया, टू अल्फा इज इक्वल टू कितना, टू एन पाई, एक बार देख लो तो आंखों से उतरता नहीं है ना, ये कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू का मतलब कितना हो गया, प्लस माइनस मत बोलना मत, पाई बाय फोर, मेरे को पता है आपको शर्म आती है इस पर, ठीक है, कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू नहीं बताऊ ना। अच्छा आज तो शुक्रवार का व्रत चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही, ये कितना होता है भाई, फाइव बाई फोर, सही ना भाई। अच्छा अब आपने सभी को पता चल गया होगा टू अल्फा इज इक्वल टू में, जो आसपास वाले बुदबुदा है उससे तो कम से पता चली होगा, दो बातें हो सकती है, या तो माइनस फाइव बाई फोर प्लस फाइव बाई फोर, या क्या हो सकता था भाई, टू अल्फा इज इक्वल टू में कितना, टू एन पाई प्लस फाइव बाई फोर प्लस फाइव बाई फोर, है ना भाई, ये होता। अच्छा अब काम की बात सुन लो, टू अल्फा इज इक्वल टू में होता कितना, टू एन पाई प्लस फाइव बाई टू, ये बात समझ में आई, और हमारी नजरों में अल्फा में आंसर निकालना था तो इसलिए आंसर होता एन पाई प्लस फाइव बाई फोर, एक आंसर तो यहां से बना। और आपको बताए ये तो खुश नसीब होने पे ही ऐसी बातें मिलती हैं, अल्फा बराबर कितना हो गया एन पाई, राइट है, लेकिन आंसर देने से पहले चेक कर लेना किसी को लोचा तो नहीं है, साइन और कॉस से कोई लोचा नहीं, साइन और कॉस को किसी से कोई तकलीफ नहीं होती, दुनिया कुछ भी पटको इनके आगे, ठीक है। एंगल ऑफ ट्रायंगल मेड बाय थ्री लाइंस, एंगल ऑफ ट्रायंगल मेड बाय थ्री लाइंस, अगला टाइटल है ना, ठीक है, अगला वाला ट्रायंगल बहुत ज्यादा वैसे कॉन्करेंसी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम काम का है। आ जाए मत करें, बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है, बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है ना, अपनी शीट में तीन क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है शायद इस पे बेस्ड, तो बस हम दो क्वेश्चनों के लिए जितना पढ़ेंगे वो यही है ना, कहानी लेकिन काम की है, क्योंकि टेस्ट पेपर में अक्सर इस तरह की बातें उठाई जाती है, क्योंकि एक गंदी बात है ना, देखते एक बार के लिए दिमाग में खराबी आ जाती है, यार ये क्या है, करना क्या है, पहली चीज जो मैं सबसे पहले बात रखने से पहले ही पहली चीज ये समझा रहा हूं क्या, कि L1 L2 L3 ठीक है ना, को घटते क्रम में, घटते क्रम में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं ऑफ स्लोप, ठीक है ना, तो पहली चीज ही मतलब आइडिया ही पहला यही दे रहा हूं बिना बात बताए कि अरेंजिंग L1 L2 L3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप्स, स्लोप के घटते हुए क्रमों में मैं बात को रखूंगा, अगर मैंने स्लोप के घटते हुए क्रमों में बात को रखी तो ये कुछ हद तक इस तरह की बातें उठेंगी, ध्यान से देखिएगा है ना, पहली स्लोप अपन लोग ले लेते हैं, ये
एक लाइन ये ले लेते हैं और एक लाइन थोड़ी सी ये ले लेते हैं, है ना। ये तो बहुत ही मार्जिनल होगी, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हाँ, डायग्राम ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि नहीं तो मैं आपको अपनी बात बता ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, बता ही नहीं पाऊंगा। मेरी बात आप तक पहुंचेगी तभी जब आप इसको बिल्कुल एकदम सही तरीके से उठता हो देख लेंगे। एक राइट है, दो और कंपैरेटिवली तीन, ट्रायंगल का बना ऑब्वियसली बात है, यहां पे ट्रायंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। अच्छा कौन सी सर घटता हुआ क्रम क्या दिखा रहे थे आप बताओ, ठीक है ना। बच्चे के दिमाग में ये आता है भाई ये तेरा L1 है, ये तेरा L2 है, ये तेरा L3 है, कहां है सर घटता क्रम। ऐसा देख, इसका अल्फा सोच, कंपैरेटिवली इसका बड़ा, इसका और बड़ा, तो उधर जाते समय घटता हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। ऐसे L1 L2 L3 को असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए, फिर उल्टा लिख देते हैं इसमें, ना ये भी आपको ताकि और अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। L2 सर L3 L1 L2 L1 डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्रिएट करा मैंने, है ना। ये दिख गया आपको, है ना, क्या आप डायग्राम खुद बना लेंगे या देख देख के बनेंगे। बिल्कुल खुद बना लोगे ना, हाँ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो ये, क्यों, क्योंकि जैसे ही एग्जाम उठता है क्वेश्चन पे तो आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि डायग्राम, अरे बना लेना ऐसी क्या जल्दी। अब सुनो आप जरा, मैंने इसका नाम रख दिया ए, क्या रख दिया ए, अच्छा इसका नाम रख दिया मैंने बी, इसका नाम रख दिया मैंने सी, ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है ना। और ध्यान से एक एक बात की बारीकी पकड़ना, अच्छा ये कौन है अल्फा वन, ये कौन है अल्फा टू, और ये कौन है अल्फा थ्री। अच्छा और सोचते हैं, और अगर आप ए के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप ए के बारे में बात कर रहे हैं तो जितना एंगल यहां होगा उतना एंगल यहां होगा, और अगर आप इन इन इस ट्रायंगल को देखते हैं तो आपको पता है ये एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दोनों का सम होगा। एक मिनट मैं लिख देता हूं, एक्सटीरियर बोले तो अल्फा थ्री, अंदर वाले दोनों ए प्लस अल्फा टू। नहीं आया, इतनी बारीक दृष्टि है आपकी, दूर से दिख रहा है ये वाली बात, है ना। तो आप अगर देख पा रहे तो कितना लिखूंगा ए प्लस अल्फा टू, तो आपने सभी लोगों को ये पता चलेगा ए बराबर कितना हो गया अल्फा थ्री माइनस अल्फा टू, सही है। अच्छा अब ए बना भी किस किस से है, ए बना भी एल टू और एल थ्री से है, सही है। अगर मुझे एंगल ए निकालना है तो एंगल ए निकालने के लिए, एंगल ए निकालने के लिए मैं इसके ऊपर का खेल खेलूंगा। अच्छा अब ये कैसे खेलेगी सर, आप एंगल ए कैसे लेके आओगे। मैंने कहा एंगल ए को लाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, टेन चिपका दूंगा इसके आगे, सर उससे क्या होगा, है ना, अल्फा टू इससे क्या होगा, इससे आप में से कई लोगों को जिनको इसको खोलना आता है, ठीक है, वो जान जाएंगे टेन अल्फा थ्री माइनस टेन अल्फा टू अपॉन में वन प्लस, है ना। अब मैं उस बात को कैसे लिख रहा हूं, टेन अल्फा थ्री की जगह मैं लिख रहा हूं एम थ्री माइनस एम टू अपॉन में नीचे कितना वन प्लस एम थ्री एम टू, बात पकड़ में आ गई आपको, वन प्लस एम थ्री एम टू। अच्छा कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि एक बार के लिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इन द सेम बेसिस, इसी प्रकार के बेसिस में बिल्कुल तीनों के तीनों चलेंगे, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो जरा बहुत ध्यान से, मैं अभी भी एक और बात है जो आपके सामने रख सकता हूं, आप में से हर एक जना ये समझ गया, बहुत ध्यान से देखना कि एम वन इज लेस देन एम टू इज लेस देन एम थ्री, क्या आपने देखा ही बात, सबसे छोटा एंगल कौन है अल्फा, तो एम वन सबसे छोटा है, एम टू उसके बाद का है और एम थ्री उसके बाद का है, राइट है। अगर मैं ए की बात करता हूं तो इन दोनों के बीच की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बी की, ठीक है, तो बी किस किसने बनाया, फर्स्ट और लास्ट ने, दिख रहा है आपको, इसने और इसने, बी तो इसी ने क्रिएट किया कि नहीं किया। अगर बी इन दोनों ने क्रिएट किया अल्फा वन और अल्फा थ्री ने, तो बी के टाइम पे क्या क्या उतरेगा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना उतरेगा, है ना, मैं डायरेक्ट बोलू कितना, एम थ्री माइनस एम वन। देखो आपने बोला एम थ्री माइनस एम वन, मैं आपके सामने दोबारा बात रखता हूं, एम वन एम टू एम थ्री पहले केस में उठ रहे हैं एम थ्री माइनस एम टू, हाँ है ना, अगले केस में उठना चाहिए एम टू माइनस एम वन, और लास्ट केस में उठना चाहिए एम वन माइनस एम थ्री, साइक्लिक ऑर्डर में, ये माइनस ये फिर ये माइनस ये और फिर ये माइनस ये, नहीं आया बात पकड़ में आई। अगर भाई जब निकालना है तो पहले इसमें, इसलिए लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, एंगल सी। मैं एक बार एंगल सी को भी देख लेते हैं, एंगल सी देखें, है ना, बस एक बार पहले देखना एंगल सी बोले तो ये, बहुत ध्यान से देखना ये, अब जरा देखना ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया अल्फा टू, है ना भाई, अल्फा टू इज इक्वल टू में दोनों का सम
अल्फा टू इज इक्वल टू कितना सी प्लस अल्फा वन, इसका मतलब सी इज इक्वल टू कितना अल्फा टू माइनस अल्फा वन, अल्फा टू माइनस अल्फा वन का मतलब हो गया एम टू माइनस एम वन, राइट है, देखो एम टू माइनस एम वन, एंगल सी इज इक्वल टू, क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, एंगल सी इज इक्वल टू मैं कितना लिखूंगा एम टू माइनस एम वन डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना, नीचे की तरफ वन प्लस एम वन एम टू, राइट है। अब एंगल ए पे दिमाग लगाते हैं, एंगल ए नहीं एंगल बी पे, हाँ भाई एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी भैया सामने हो, ये वाला एंगल बी, ये वाला है कि नहीं, एंगल बी के टाइम पे आपके दिमाग में कौन कौन सी लाइनें प्रकट हो गई, ये और ये। अब बताएंगे जरा एक्सटीरियर एंगल कौन हुआ अल्फा थ्री, एक मिनट, अल्फा थ्री इज इक्वल टू कितना बी, बी प्लस अल्फा वन, यही होगा भाई, और बी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी इज इक्वल टू में कितना हो गया, मैंने क्या बोलू एम थ्री माइनस एम वन, एम थ्री माइनस एम वन, तो अपनी बात उल्टी जा रही है यहां पर, क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा ये माइनस ये, ये माइनस ये, और फिर एम थ्री माइनस एम वन, ना ना ये कुछ गलत जा रहा है अपना, एम वन माइनस एम थ्री ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब देखो जरा, एक आधी बच्चों ने प्रतिरोध उत्पन्न किया है, प्रतिरोध उत्पन्न किया है, क्यों किया है, कारण सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, हालांकि रखने वाले ने अपना बात और अपना वजूद दोनों बातें एक साथ रख दी है, रुक करके सोचते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि अगर आप अल्फा थ्री ले रहे हो तो अल्फा थ्री इज इक्वल टू में इन दोनों का सम, लेकिन आपको पता होना चाहिए एंगल बी ये है आज, सी तो यही है, ये भी अंदर का है, लेकिन ये वाला आप बाहर का ले रहे हो, पकड़ में आई बात या नहीं आई, इसका मतलब बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और माइनस टेन थीटा होते ही वापस चीज वापस करो, बात पकड़ में आई, इसका मतलब बात में बिल्कुल सही बात थी, नहीं है आया, थोड़ा भारी है ना, हालांकि इतना दिमाग प्रेशर नहीं है, आ गया। तो मैं क्या लिख दूं, मैं तो अपना काम करूं ना भैया, क्या लिखूं बोला, एम वन माइनस एम थ्री अपॉन वन प्लस एम वन एम थ्री, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले आप भर लो यार, भर लो पहले आप भर लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद की बात करते हैं, ठीक है, आप पहले ये चलो, नहीं मॉड में नहीं चलते इसमें, इसमें याद रख के चलते हैं कैसे खेलना है, क्रम से खेलना होता है ना, थोड़ा अलग तरह का गेम, थोड़ा बहुत अलग तरह का गेम है, तीन लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, और वन टाइमर है, वन टाइमर माने एक बार खोपड़ी पे प्रेशर डालना पड़ता है, आगे कभी जिंदगी में नहीं डालना पड़ता, उसके अंदर जब भी आप पेज पलटोगे आपको स्ट्राइक कर जाएगा, है ना, टेन एंगल, हाँ बोलो, हाँ लेंगे ना दोनों तरफ, तो अपन तो आंसर में इधर की तरफ से आंसर निकाल लेंगे ना, थीटा तो निकल जाएगा, अरे इधर वाले से जो आंसर निकलेगा वो तो टेन इनवर्स में निकलेगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, हाँ सही कह रहे हैं साहब, अगले पे चलते हैं साहब, इनकी बात को रख ही देते हैं, नहीं तो है ना आज के दिन तो मैंने हाँ भर दी, पीछे मेरे पीछे मेरे पेज ही हाँ भरेंगे, ये कह रहे हैं टेन एंगल है, है ना, हाँ क्योंकि मामले में टेन ही है, अपन ये मैं सोच रहा था अंडरस्टूड है, बट ये भरने में ही समझदारी है ना, क्वेश्चन बताते हैं, वो तो थ्योरी है ताकि बच्चों को लगे कि हाँ बहुत बड़ी बात रखी, बहुत बड़ी बात भाई साहब, ठीक है, लेकिन मजा तो तब आता है जब आप इस चीज को देखते हैं कि ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, कैसे, बस अपने को इतना अरेंज करना है कि सबसे छोटा M1 है ना, अगला कौन है M2 है, एंड द नेक्स्ट वन इज M3, राइट है, और पहला आंसर क्या था, पहला आंसर है M3 माइनस M1 अपॉन जो भी 1 प्लस, ठीक है, अगला वाला क्या है M2 माइनस M1 अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस M1 M2, राइट है भाई, हाँ बिल्कुल M2 है, अगला वाला क्या है M1 माइनस M3 अपॉन में नीचे की तरफ कितना 1 प्लस M1 M3, बस आपको तो डायरेक्ट यूज करना है साहब, इतना याद रखना ये वाली बात, आप तो डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट सबसे पहले लिख लीजिएगा स्टेप, चलिए पहला स्टेप लिखिए, वो सब कहोगे कॉपी, हाँ मैं लिखेगा, पहला पहला स्टेप है ना अरेंज, ठीक है ना, अरेंज स्लोप्स है ना इन
डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर व्हाटएवर है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। फिर इसके बाद में लिखिएगा सेकंड, ठीक है, लाइक ऐसे, ठीक है, देन उसके बाद में दिस इज व्हाट 10 ए, दिस इज व्हाट 10 बी, दिस इज व्हाट 10 सी। सही भाई, आ जाओ, बस इतना सही, इतना सा लिखवाना है, बाकी मेरे क्वेश्चंस बता देंगे आपको। आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, मेड बाय टेंजेंट ऑफ, मेड बाय टेंजेंट ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, इंटरनल एंगल्स, ठीक है ना, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, व्हेन साइड्स आर 2x plus y minus 3 equal to 0. Next is x minus y plus 5 equal to 0. And the next one is 3x minus y plus 1 equal to 0. Hai na bhai? Aao. Haan, descending order. Ulte se. M1, M2, M3. M3 sabse chota. M1 sabse chota. कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाऊं है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो ये एबीसी का चक्कर है ना, ये सिर्फ ये है, आपने बाय द वे वो एबीसी साइक्लिक लिया है या एंटी क्लॉकवाइज लिया है, बस ये मैंने इस बारे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, एबीसी यूं ले लिया है, आप वाले में यूं ले लिया, एबीसी वही है, ठीक है। हाँ भाई, एंगल तो वही रहेंगे ना, वो तो नहीं बदलेंगे। हाँ साहब, फटाफट मेरे को बताना चालू कीजिए साहब, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यहाँ पे बस मैं पढ़िया साहब, पहला जल्दी से बताइए, इसका एम बोलो, इसका एम1 इज इक्वल टू -2, इसका एम बोलो M2 इज इक्वल टू 1, इसका M3 इज इक्वल टू बोलो M3 इज इक्वल टू 3, है ना भाई, 3 आई थिंक सो, है ना भाई, M3 इज इक्वल टू 3 हो गया। अच्छा, अब घटते क्रम में अगर बाय द वे सजाऊंगा तो कैसे सजाऊंगा, वही -2, फिर कितना 1, फिर कितना 3। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब, 10 अल्फा, मैं सीधे से, मैं तो अपनी तरह से एंगल ही चिपका रहा हूं, राइट भाई। अच्छा, फर्स्ट एंगल की अगर मैं बात करते हैं तो कितना हो गया M3 - M2, ये होगा ना M3 - M2। अरे भाई, ये क्या है M3, ये क्या है M2, ये क्या है M1, ऐसे ही तो होता है। अच्छा, तो पहला एंगल लगा रहा हूं, पहला एंगल हो गया 3 - 1 + 3 × 1, बोलो हाँ या ना, नहीं आया। अच्छा, अगला बोलो 1 + 2 / 1 - 2, अरे प्लेइंग सो स्लो, अगले वाले में बोलो, चलो अगला तो आप ही बोलो, अगला वाला क्या होगा, याद है ना, ये माइनस ये, फिर अगले वाले में ये माइनस ए, और अगले वाले में ये माइनस ए, ऊपर क्या लिखो, -2 - 3 / 1 + अरे -6, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक बार जरा दोबारा बोलो क्या क्या था, पहला एंगल क्या था। अच्छा, वो तो देख के बोल रहे हो आप, कितना बोलो आप जल्दी से, ये माइनस ये कितना 3 - 1 / 1 + 3 × 1, कॉमा कितना 1 - -2, है ना भाई, अपॉन में कितना 1 + -2, है ना भाई। अच्छा, अगला बोलो, ये माइनस ये -2 - 3 / 1 + -6, है ना भाई। अच्छा, ये कौन है, 10 ए, बहुत बढ़िया, अगला कौन है 10 बी, अगला कौन है 10 सी, है ना भाई, 10 ए 10 बी 10 सी। अच्छा, ये अगला कह रहा है, ये जो 10 ए 10 बी है ना, ये अपने आप में रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, क्यूबिक इक्वेशन के, बात पकड़ में आई आपको, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन का रूट है तो मैं आपके सामने इनको क्या लिख दूं, अल्फा लिख लूं, राइट भाई, इनको क्या लिख लूं बीटा, इसको क्या लिख लूं गामा, लिख रहा हूं भाई। अब मेरे को जल्दी से बता दो, अगर आपको ढंग से समझ में आ गया, अल्फा बोल दो ढंग से, अल्फा इज इक्वल टू, अरे इसको सॉल्व करके बोल दो ना, 2/4 बोले तो 1/2। अच्छा, बीटा बोलो, बीटा इज इक्वल टू कितना 3 / -1,
माइनस थ्री, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा गामा बोलो, माइनस फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फाइव, बोले तो वन, पकड़ में आ गया। अच्छा अल्फा बीटा गामा अगर ये हो गया तो आपको याद है क्यूबिक इक्वेशन होती है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, याद है माइनस के बाद प्लस। हाँ एक सेकंड में, हाँ बिल्कुल लिख देता हूं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा इंटू कितना एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, याद आया आपको प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस में इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू, सोचो चले गए नहीं। अच्छा अगले वाले में मैं आराम से चलता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस थ्री बाय टू प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस थ्री प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हाफ इंटू एक्स, सोच लो पहले तो। अच्छा एक मिनट में गिन भी दूं, ये कितना रह गया माइनस फोर, अरे यार माइनस फोर फाइनली, आराम से डिसाइड कर लो आप तो, उंगलियां हैं अपने पास, हाफ थ्री बाय टू, ठीक है कैसे करता हूं अभी, अरे यार अच्छा चलो मैं ये करता हूं तब तक, है ना आप लोग कर लो वो, यहां से कितना हो गया माइनस का थ्री बाई टू, बराबर है ना भाई। अच्छा तो ये इतनी खूबसूरत सी इक्वेशन आ रही है और आप इसका मजा खराब कर रहे हो, देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस ही लिखा है, अच्छा ये प्लस का थ्री बाय टू, हाँ ये प्लस का थ्री बाय टू बिल्कुल। अच्छा ये मैंने सोचा मैंने ये भी तो प्लस का लिखा है, अच्छा ये कितना बचा था माइनस का फोर एक्स और प्लस में कितना हो गया थ्री बाय टू, तो फाइनली खूबसूरत इक्वेशन जो आ रही है टू एक्स क्यूब प्लस का कितना थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, नहीं है ना हमें कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ये फोकट की बातों पर दिमाग नहीं लगाना, सीधा एबीसी निकालने में दिमाग लगाना चाहिए, जिसको एबीसी निकालना आता है ना वो उसको सब समझ में आ रहा है, उसको पता है उसे क्वेश्चन बनता है इसका मतलब हाँ डन है, उसकी खोपड़ी काम कर रही है, उसको ये पता है ये माइनस है और ये माइनस ये करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के, किस ऑर्डर में हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके, याद है ना ये माइनस ये, एक बार जरा दोबारा से ये बात लिख दूं मैं कहा डिसेंडिंग, ये तो लिख दूं ताकि आप नहीं लिखोगे मेरे साथ लिख लोगे नहीं तो लिखोगे भी नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर पहली बात, फिर ये माइनस ये पहला, फिर ये माइनस ये और लास्ट में ये माइनस ये, इसमें कहीं से गुजर दो आप, इतना छोटा लिखते क्यों बेंजीन जैसा, हाँ भाई अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ये तो बुरा नहीं था ना उतना, बस इसकी स्टार्टिंग बहुत गंदी होती है, लाइन वगैरह देखना बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली, ठीक है ना, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ठीक है ना विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन, थ्री पोजिशंस आर पॉसिबल, तीन स्थितियां संभव हैं साहब किसी भी बिंदु की रेखा के सापेक्ष, ठीक है खा खा भाई इतना जोर क्यों है, उनका शन बर्थडे 11 कल ही है क्या, हाँ तो कल के दिन तो उनका बर्थडे है और एक दिन बाद शायद रेखा का बर्थडे, आपको पता नहीं ये बात नहीं पता, बिल्कुल आप जाइए बॉम्बे तक जलसा के बाहर खड़े होइए, जलसा जानते हैं अमिताभ बच्चन के घर का नाम है जलसा और उसका नाम क्या है शाहरुख खान का मन्नत, ठीक है मन्नत, आपको पता है शाहरुख खान की इस साल की टोटल इनकम हो चुकी है 3000 करोड़, सोचो एक भांड अगर भाई भांडी कहते हैं ना मैं, है ना नाटक करने वाले को ठीक है ना 3000 करोड़, ह्यूमन बीइंग है आप समझते हैं बीइंग ह्यूमन नहीं है ठीक है, अच्छा
आपको बताइए इतने रुपए उसने कैसे बनाए शाहरुख खान ने? नहीं, कुछ हद तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, जैसे उसने लगातार सीरीज ऑफ फ्लैट्स खरीदी थी। सीरीज का इंस्टीट्यूट चलता है, हम लोगों के लिए काफी प्राउड सब्जेक्ट होता है कि अगर उसके इंस्टीट्यूट में हमारा बाला जाता है कि ठीक है चलो, और कुछ नहीं तो ये भी लगा एलन मित्तल वाला है ना, अजय एलमनाइटी के नाम से। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। थ्री पोजीशंस आर पॉसिबल, बहुत ही साधारण है ये लाइन है। तीन तरह की स्थितियां हो सकती हैं पॉइंट की, या तो ऊपर होगा माने लाइन के ऊपर होगा, या ठीक लाइन पर होगा, या फिर बिलो टू द लाइन होगा। थ्री पॉइंट्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। कौन सर, लाइन क्या है सर? लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अच्छा और सर फिर पॉइंट क्या है? पॉइंट इज एक्स वन वाई वन। एक्स वन वाई वन यहां पर भी हो सकता है, एक्स वन वाई वन में लाई हेयर ऑल्सो, ठीक है ना, एंड एक्स वन वाई वन में लाई हेयर ऑल्सो। माने तीन पॉइंट पॉसिबल है, या तो लाइन के ऊपर, बिलो, बिलो टू द लाइन है ना, अबव टू द लाइन एंड ऑन द लाइन, ठीक है। थ्री पॉइंट आर पॉसिबल तो लिख लेते हैं। सबसे पहले है ना बिलो लाइन, ठीक है, एंड अगला अबव लाइन, और अगला ठीक है ना ऑन द लाइन। इतना आसान है कि बच्चे को एक ही बारी में याद हो जाता है। कैसे पता चलेगा सर ये तीनों में से कौन सी वाली पोजीशन है, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल है, पॉइंट को उठाइए, पटक दीजिए लाइन पे। कैसे पटकते हैं? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट है, ऐसे। अच्छा अगर बाय द वे आपने पॉइंट को लाइन पे रखा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी रखा, इधर भी अगर आपने ए एक्स वन प्लस में कितना बी वाई वन प्लस सी रखा, इधर भी अगर आपने ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी रखा, और रखने के बाद बस सिर्फ ये चेक कीजिए कि आंसर कैसा आया। अगर नेगेटिव आया तो बिलो लाइन, पॉजिटिव आया अबोव लाइन, और इक्वल टू जीरो आ गया तो लाइन पर ही पटक गया, खत्म। कितना तो पॉइंट है, इसमें क्या मुश्किल काम है, बात पकड़ में आई है ना? लेकिन छोटी छोटी बातों पे गौर कीजिएगा, गौर, ठीक है ना। ऑलवेज चेक, ठीक है, ऑलवेज मेक बी पॉजिटिव, ठीक है, बी को पॉजिटिव रखते हुए दिमाग में रखना। हालांकि जरूरत नहीं है अभी ये, इस पर बात नहीं करो, क्योंकि है ना ये कहानी को कुछ और ले जाएगा, अभी नहीं, लास्ट में करेंगे इस पर जाते जाते बात, ठीक है। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? अच्छा आ जाइए, ठीक है, ये तो वो वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर बात, ठीक है। फॉर टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे बात करता हूं, दो पॉइंट पे को लेकर के भी कैसे कैसे स्थितियां हो सकती है। देखो सर तीन तरह की स्थितियां होती है लाइन है, या तो दोनों पॉइंट इधर उधर पाए गए लाइन के, है ना, इसको कहते हैं अपोजिट टू द लाइन, अपोजिट टू लाइन, लाइन के दोनों ओर। या फिर दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी लाइन की यह स्थिति हो सकती है दोनों एक ही साइड पाए गए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड टू द लाइन, ऊपर भी या नीचे भी, वॉट एवर, या तो दोनों ऊपर पाए गए या दोनों नीचे पाए गए, दुनिया ने कहा दोनों सेम साइड है। यहां क्या हुआ, एक ऊपर एक नीचे पाएगा, दुनिया ने कहा दोनों अपोजिट है ना। और तीसरी कंडीशन तो बिल्कुल चिल बकवास है, उस पर क्या बात करनी, कि तीनों दोनों लाइन पे पाए गए वो तो सबको पता ही है। अगर बाय द वे अपोजिट पाए गए, हाउ कैन आई नो, हाउ कैन आई जज इवन, है ना भाई, ऐसे कि आपने अपनी लाइन का नाम रख लिया एल, एल है ना, एल इज वॉट, एल इज दिस वन, एल इज इक्वल टू में कितना, एल इज इक्वल टू में अपन ले लेते हैं कितना, ए एक्स प्लस में कितना बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये अपनी लाइन है ना भाई। अच्छा इसमें अपने पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट, पहले पॉइंट का नाम रख लेते हैं हक, है ना, और दूसरे वाले का है ना भाई, अच्छा पहले वाले का हक और दूसरे वाले का, ठीक है ना भाई। अब काम की बात करते हैं, काम की बात है ना, काम की बात क्या है, काम की बात ये है ना, अगर मान लीजिए है ना, जिंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा एच के रखूंगा, है कि नहीं, दुनिया ऐसे बना लेगी हक, ठीक है, लेकिन ये फिर भी, ये तो फिर भी बहुत सोच है। अच्छा चलो अपोजिट वाले पे बात करते हैं, अपोजिट का सीन क्या है, अपोजिट का सीन समझाता हूं, अपोजिट का सीन क्या है, बहुत ही सिंपल है। लाइन में जो लाइन है उसमें आपने पहला पॉइंट डाला एच के, राइट है, इंटू किया लाइन में पी क्यू डाल करके, राइट है, हक और पक डाला, ठीक है, ठीक है, और अगर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ गया तो समझ लेना अपोजिट थे, अगर नेगेटिव डालने पर सॉरी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ गया समझ लेना अपोजिट था। क्यों, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव था इसका मतलब एच के ऊपर था और ये नेगेटिव था मतलब एच के नीचे था, या उल्टा हो सकता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर भाई तो दोनों सेम साइड पे थे तो उस केस में क्या हो सकता था, एल एच के इंटू में कितना एल पी क्यू
दोनों की वैल्यू कैसे आ गई? पॉजिटिव। कैसे आ सकता है ये? अगर दोनों एक ही साइड थे, ऊपर ऊपर थे, तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों नीचे नीचे थे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। नहीं है, दोनों नीचे नीचे थे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। कहानी पकड़ में आ गई? वेरी इजी, कुछ नहीं करना, वैल्यू पटकनी है, वैल्यू पटकनी है, नॉट मोर देन दैट। और वैल्यू कैसे पटकता पता है आदमी, है ना, एकदम सीधा सीधा। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ, ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि इफ, ठीक है ना, 1.2 एंड 5.7, ठीक है ना, आर फाउंड अपोजिट टू द लाइन, अपोजिट टू द लाइन, कौन सा, 2x प्लस y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की इंटीग्रल वैल्यू बताओ सा, ठीक है, आपने दिमाग दौड़ाना चालू करा कि इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट है भाई, इंटीग्रल वैल्यू गई बाढ़ में, पहले ही देख लेते हैं, पहली कहानी इतने से पे है कि दोनों पॉइंट कैसे हैं, अपोजिट टू द लाइन है, इसका मतलब सुनना, देखो ये कौन है एल, ये कौन है एल, और ये कौन है एच के, और ये कौन है पी क्यू। अब देखो पहले इस एल में एच के डालता हूं, एल में अगर मैंने एच के डाला तो कैसे डालेंगे भाई, 1 2 जैसे डालते हैं, 1 कैसे रखेंगे, 1 रखते हैं 2 प्लस में, यहां पे वाई की जगह 2 रखते हैं, कितना 2 माइनस लैम्डा, लो डल गया एल में एच के। अच्छा बस वो पुट्टी करना था क्या? हाँ पुट्टी करना था। और इंटू क्या, इंटू के अंदर कितना पी क्यू डालो, 5.7 डालो एक्स और वाई की जगह, एक्स की जगह 5 डालते पड़ गया 10, और वाई की जगह 60 7 और माइनस लैम्डा। और क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट दिए हैं, चेक थोड़ी ना करना है, खुद ने चल के दे रखा अपोजिट है, अपोजिट है, इसका मतलब कैसा निकल गया, लेस देन 0, इसे क्या होगा सर? अरे दिमाग लगाएंगे हम जैसे लोग, 4 माइनस लैम्डा, और यहां पे अगर देखा जाए अगली बार कोई भी क्या बोलेगा, 17 माइनस लैम्डा इज लेस देन 0। या दूसरे शब्दों बोलू, हमने कभी भी लैम्डा वगैरह को या एक्स वगैरह को नेगेटिव नहीं देखा, हमको पसंद है दोनों आ गया, जो लैम्डा माइनस 4 और यहां पर देखा जाए लैम्डा माइनस 17 वापिस नेगेटिव, सोचो क्या पकड़ में आया, है ना। और जिन लोगों ने मुझसे कराई, मेरे से ये सारी बातें सीखी हैं, उनको तो याद दिलाता हूँ, ब्रैकेट हैं दो ब्रैकेट देखते दिमाग में आया भला इस समय फंक्शन की, और तो लैम्डा फंस गया किसके बीच में, दोनों के बीच, 17 और 4 के बीच में। और जिन लोगों ने दूसरी जगह से भी देखा उनके लिए भी कोई मौत नहीं है, देखो जरा लैम्डा की वैल्यू आई एक तरफ 4 और एक तरफ कितनी आई 17 प्लस माइनस प्लस, याद है, और लेस देन 0 ढूंढवाता है माइनस को, तो माइनस कहां से कहां के बीच है, 4 से 17 के बीच, तो लैम्डा इज लाइंग इन बिटवीन 4 एंड 17। अब 4 से 17 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, वो गिना दो आप, इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू बोलो आप, तो इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी आई बोलो, पहला 5 हाँ या ना, दूसरा 6, तीसरा 7 से लेके कहां तक 16 तक, अब बताओ 5 से लेके 16 तक कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होती है, 12, अरे 11 तो वैसे ही होती है ना, एक 5 खुद भी तो होगा, हाँ या ना, टोटल 12 वैल्यूज, क्या मुश्किल नाम था क्या, अपोजिट है तो लेस देन 0, दोनों सेम साइड है तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके आपकी शीट के लाइक बना दूं और चलते हैं फिर अपन, टाटा हो जाए आपका। अरे शीट के लाइक तो बनाऊंगा ना, या शीट के लाइक भी नहीं बनाऊ, शीट तो हो जाए कम से कम, पता चला टॉपिक हो गया लेकिन शीट का क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह की बात ही नहीं करी थी सर, ठीक है। क्वेश्चन है इफ, बस वाइंड अप कर रहा हूं मैं, खुद भी जल्दी में रहता हूं भाई, इफ ए कॉमा ए स्क्वायर, इफ ए कॉमा ए स्क्वायर, ठीक है ना, लाइन बिटवीन एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड वाई इक्वल टू 3x, मेरे को क्या बताना है, बता आपको, मेरे को ये बताना है आपको, जल्दी समझना, वाई इक्वल टू 3x, बच्चा बच्चा जानता है वाई इक्वल टू एक्स, 3x हल्का सा ऊंचा, ये वाई इक्वल टू 3x, ठीक है, आप में से अगर किसी को पता नहीं है तो वाई इक्वल टू, सिर्फ ये सोचो वाई इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है ना, और डिवाइड बाई 2 होने पर हल्का सा और बाहर, हल्का सा और बाहर माने इस तरह से ले लेते हैं, मतलब तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट है। अच्छा अब ए कोमा ए स्क्वायर कहां है, ए कोमा ए स्क्वायर इन दोनों के बीच में कहीं फंसा हुआ है, अगर ए कोमा ए स्क्वायर इन दोनों के बीच में कहीं फंसा हुआ है तो सर ये तो लेकिन स्ट्रेट लाइन ही नहीं है ना, आप तो पोजीशन,
अबाउट अ लाइन बात सिखा के लाए हो हमारे को, पोजिशन अबाउट अ लाइन सिखाते हुए लाए हो, और यहां तो लाइन ही नहीं है ना सर। ये एक बच्चा सोच रहा है कैसे पता चलेगा सर को लाइन नहीं है। अरे डिग्री दो है ना बेटा, डिग्री अगर एक होती है तो हम लाइन कहते हैं, डिग्री अगर दो होगी तो लाइन नहीं बचती। अच्छा ये तरीका क्या? हाँ ठीक है। अब अगर लाइन नहीं है तो लफड़ा क्या है सर? लफड़ा ये है कि हमारे को पता ही नहीं ना कि ये पॉइंट का है, बस ये पता है कि इन दोनों के बीच में, तो काम कैसे करेगा भाई? है अगर इन दोनों के बीच में तो आप दिमाग इतना तो लगा सकते हो, इस लाइन से तो ऊपर है और उस लाइन के नीचे, मैंने उस कर्व के नीचे, तो इसका मतलब ये कि दोनों केसेस में दोनों का अपोजिट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a, a² इसमें डालू इंटू फिर a, a² इसमें डालू तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्यों? क्योंकि दोनों के अपोजिट है, एक के ऊपर एक के नीचे, माने वो फंडा यहां भी काम करेगा। लेकिन आपने तो फोटो में ये दिखाया था एक ऊपर एक नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे थोड़ी ना बताया था। हाँ ये तो इसीलिए तो मैं आपके सामने रख रहा था ये वाली बात कि अगर बाय द वे कोई भी पॉइंट अगर सपोज करो दो लाइनों के बीच में आ जाए, अभी तक हम बात कर रहे हैं दो पॉइंट एक लाइन के इधर उधर आ जाए, अब एक पॉइंट दो लाइनों के बीच में आ गया तो एक के ऊपर एक से नीचे और दूसरे के ऊपर है, दूसरे के ऊपर, बात समझ में आई? इसका मतलब दोनों लाइनों में, दोनों लाइनों में L1 में और L2 में, दोनों लाइनों में पटक करके लेस देन जीरो कर देना। कहानी पकड़ में आ गई? क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और जिसके नीचे वो नेगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव दे देगा। कहानी पकड़ में आ रही है? अच्छा कैसे रखना है सर वो बता दो बस लास्ट, है ना? अगर देखा जाए तो कुछ नहीं करना बेटा, x²-2y = 0 देख पहले मन की आंखों से। कैसे देखते हैं सर, है ना? फिर भी नहीं दिखे तो पास आ जा, मैं चश्मा दे देता हूं। x²-2y इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं, इसको 3x-y = 0। अब रखते कैसे, पॉइंट कैसे रखते हैं बताओ, कोई मेरे को इसमें रख के बताएगा? पहला पॉइंट कैसे रखूं बोलो, बोलो क्या लिखूं? ए को कहां रखूं, इसमें रख दूं? a²-2a² / 2। अरे 2 भी तो है ना नीचे का। अरे नहीं, अपन ने कहां रख दिया ना 2y, बस दैट्स इट। 2 * कितना? 2a² / 2 बराबर, हां y की जगह a² / 2। अरे y की जगह ना अपना पॉइंट क्या, a² ही है क्या? हाँ तो 2a² ही होगा। हाँ ये तो मैं चक्कर कर रहा हूँ, 2a². अच्छा और इधर वाले के अंदर बोलो, इस वाले में कैसे रखेंगे? 3a- में कितना? a² लास्ट एंड फाइनल स्टेज। ठीक है, क्या कॉमन ले लूं? a² ही कॉमन ले लूं। इस वाले से अंदर क्या बच गया? ये तो माइनस का a² माइनस का a² ही बच गया, पहली बात तो है कि नहीं भाई, माइनस का a² और यहां से कितना बच गया? 3a-a² is less than 0। अच्छा ये माइनस करूं, उम्मीद है आपको पता चल गया कितना हो गया, ग्रेटर देन 0 है ना। अच्छा और सोचते हैं, और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? ए क्या बन गया? ए क्यूब। अंदर की तरफ दिख रहा है आपको a-3। सुनना आपको तो सर क्या दिख रहा था? 3-a। मैंने लिखा क्या? तो आगे माइनस ले लू, माइनस लेते ही ग्रेटर देन 0। अगली लाइन में पहली लाइन लिखूंगा a का क्यूब * में कितना? a-3 is less than 0। कितने लोगों को ये समझ में आ गया, कितने पॉइंट आए पूरी कहानी में? टर्निंग पॉइंट बोलो 0 और 3। बहुत ही बढ़िया, प्लस माइनस प्लस, बताओ किसको ऑफ करूं? माइनस। तो कहानी एक आंसर कहां के बीच लाई कर गया? 0 से हो गया क्वेश्चन।